और मध्य प्रदेश में क्या कुछ दिन भर खास रहने वाला है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सीएम फेस से लेकर, क्योंकि सवाल यही कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी के बड़े नेताओं का दिल्ली में डेरा लगा हुआ है और जल्द ही सीएम का चेहरा तय हो सकता है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ जीत दर्ज की और अब दिल्ली में शाह और नड्डा के साथ प्रहलाद पटेल ने मुलाकात की है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। इनके अलावा सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। सरकार तो बन चुकी है, सरकार आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन लगातार जारी और दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है। दिल्ली से तय होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कौन बनेगा। भारी बहुमत के साथ 163 सीटों के साथ बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दोनों ही जगहों और राजस्थान में भी सरकार बन चुकी है। 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पांचवी बार बीजेपी की सरकार। फैसला होना है कि मुख्यमंत्री अब कौन होगा। तो बड़ी खबर, दिल्ली में इस वक्त मंथन होगा और जल्द ही सीएम फेस तय हो सकता है। मध्यप्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन तेज हो चुका है। बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मध्यप्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी दिल्ली जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त दिल्ली में। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, ये वो चेहरे कैलाश विजयवर्गीय जिन पर ये सीएम के फेस भी कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल भी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में अमित शाह नड्डा के साथ मुलाकात की है। और चलिए, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो सीएम की रेस में फिलहाल आगे हैं, वो भी आपको बता दें। तो सबसे बड़ा चेहरा जो 15 साल से ज्यादा तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम का बड़ा चेहरा ये हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले से रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर भारी बहुमत के साथ जीते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री रहे और अब विधायक बन चुके, तो विधायक दल के नेता भी बन सकते हैं। बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता अगला अगर देखे तो प्रहलाद पटेल इस रेस में शामिल। प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय मंत्री रह चुके और केंद्रीय मंत्री के बाद अभी विधायक बने और ऐसे में अटकलें तेज है कि सीएम का फेस हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल से आते, अच्छी खासी पैठ रखते, केंद्र में मंत्री, लेकिन सीएम की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम तेजी से उछल रहा है। तो दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय एक तरफा जीत इंदौर में इन्होंने दिलाई है बीजेपी को, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सीएम की रेस में फिलहाल देखिए सबसे आगे चल रहा है। अनुभवी नेता कैलाश विजयवर्गीय आज तक का चुनाव नहीं हारे हैं। राकेश सिंह सांसद थे लेकिन अब विधायक बन चुके, जबलपुर से आते हैं, इनका भी नाम फिलहाल तेजी से आगे उछल रहा है। दिग्गज नेता वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के महारथी माने जाते हैं, वीडी शर्मा भी इस रेस में शामिल है। तो ये वो तमाम चेहरे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सबसे रेस में आगे जो फिलहाल चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहनों के भैया और लाडली लक्ष्मियों के मामा ये कहे जाते हैं। तो ये सभी वो दिग्गज नेता जो अब मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल शामिल हैं। फैसला दिल्ली से होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनेगा। तो शिवराज सिंह चौहान देखिए सबसे मजबूत दावेदार क्यों माने जा रहे हैं, आपको ये भी बता दें एमपी में जीत के बड़े महारथी माने जाते हैं। इस बार एक तरफा जीत जो बीजेपी को मिली, कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का इमोशनल कनेक्ट रहा, इमोशनल कनेक्शन जो उन्होंने लाडली बहनों के साथ, बेटियों के साथ मनाया, उसका नतीजा कि बीजेपी बहुमत के साथ यहाँ पर फिलहाल रही है। चुनाव में अथक मेहनत की है, प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है। क्यों दिग्गज नेता ये हैं, रेस में क्यों शामिल है, ये हम आपको बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कई अहम जिम्मेदारियां नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाली हैं, दो बार प्रदेश के संगठन की कमान संभाल चुके हैं। इनके हाईकमान की पहली पसंद भी ये हो सकते हैं। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सीएम कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। ओम माथुर, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन दिल्ली लौटे हैं। सीएम की दौड़ में बीजेपी के कई नेताओं के नाम शामिल है। विधायक दल की बैठक हालांकि होगी, इसके बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
मतगणना से पहले आपको बता दें, उमाथुर ने बड़े संकेत दिए थे, कहा था कि सबको चौंकाने वाला सीएम का चेहरा इस बार छत्तीसगढ़ में होगा। ऐसे में अटकलें तेज है कि वो चौंकाने वाला चेहरा आखिर कौन है। बीजेपी परिवर्तन में विश्वास करती है, ये भी उमाथुर ने कहा था। इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो उन्होंने बड़ा आदमी बनाने जैसी बात कही थी, दो शख्स को लेकर उन्होंने बात कही थी, ओपी चौधरी बड़े नेता, विष्णुदेव साय आदिवासी नेता, दो लोगों को लेकर अमित शाह ने कहा था ये अगर आप इनको जिता देते हैं तो इनका बड़ा आदमी बनाने का जो काम है वो अमित शाह करेंगे। तो ये वो तमाम लीडर जिन पर चर्चा, अटकलें तेज, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, फिलहाल दिल्ली में मंथन, मंथन के बाद विधायक दल की बैठक और इसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए अब सवाल यही है, सरकार आ चुकी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, और हमारे दो जुड़न का रुख करते हैं। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायपुर से गौर शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले सूरज मैं आपके पास आऊंगी, मध्यप्रदेश में अटकलें तेज, मुख्यमंत्री कौन होगा, रेस में कई नाम शामिल और क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास है। दिल्ली में मंथन होना है, सबसे रेस में अगर आगे हम देखें सूरज, किसका नाम अभी फिलहाल सामने दिख रहा है? देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है उसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को श्रेय देना जाया जा रहा है और यही कारण है कि हमने देखा लाडली बहना हुए तमाम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ताबड़तोड़ रोड शो रैलियां करना और जिस तरीके से प्रत्याशी चयन की भूमिका, तो सबसे प्रबल दावेदार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। उनके अलावा बाकी तमाम दिग्गज नेता जो इस चुनाव में जिन्होंने जीत का परचम लहराया, इसमें खासतौर से हम बात करें तो इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, ग्वालियर चंबल से बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महाकौशल से बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम दिग्गज नेता हैं, इनके नाम भी उस रेस में शामिल हो रहे हैं और यही कारण है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि जीत के दो दिन हो चुके हैं, यानी कि जब 3 तारीख को मतगणना हुई थी उसके बाद आज 5 हो चुकी है। तो ऐसे में अब दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। वो माना जा रहा है कि जब दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक तय होगी उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, वो पर्यवेक्षक जब अपने अपने राज्यों में पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश में भी पहुंचेंगे तो विधायक दल की बैठक होगी, तो ऐसे में किसे विधायक दल का नेता चुना जाना है ये बहुत बड़ा सवाल है और सबकी निगाहें भी इसी बात पर है कि मध्य प्रदेश में अगला चेहरा कौन होगा। लगातार हलचलें भी तेज हैं, लगातार केंद्रीय पदाधिकारी भी दिल्ली वापस लौट चुके हैं जो फिलहाल मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए थे, चाहे भूपेंद्र यादव की बात हो, अश्विनी वैष्णव की बात हो, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर अब एक ही चर्चा है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर हम देख रहे हैं लगातार 18 साल से मध्य प्रदेश की कमान जो संभाल रहे हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उनके अलावा तोमर हो, विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, इनके नाम भी चर्चा में। बिल्कुल सूरज, चर्चा में नाम है और कैलाश विजयवर्गीय को जो प्रत्याशी थे वो भी कहीं ना कहीं इनका नाम आगे कर रहे हैं। प्रत्याशियों की मांग है कि इंदौर में जिस तरीके से एक तरफा जीत मिली है तो कैलाश विजयवर्गीय को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है वो प्रत्याशी और विधायक फिलहाल कर रहे हैं। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। शरद सर, मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल अब भी यही है क्योंकि सरकार तो आ चुकी है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा किसी पार्टी ने फिलहाल सामने नहीं रखा था। तो सर सबसे पहला जो नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खुद का है लेकिन कई और भी नाम है, क्या लगता है सर, क्या मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती क्योंकि सिर्फ एक चेहरा अब नहीं है, 7-8 ऐसे चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, क्या मुख्यमंत्री चुनना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जो एक बीजेपी की पहले हम चरित्र की बुनावट को समझे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है और जहां कांग्रेस की तरह इस विषय को लेकर बहुत अधिक मतांतर, मैं ये नहीं कहूंगा कि भीतर पार्टी के नहीं होते हैं लेकिन अगर वो होते हैं तो पार्टी उनको बहुत आसानी से अपने अनुशासन भाव से नियंत्रित कर लेती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कतई भी चुनौती नहीं है कि इस सर्वोच्च पद पर चयन के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। जो इसकी प्रक्रिया है उसको हम समझ लें, दिल्ली के संसदीय बोर्ड में बैठक के बाद तीनों राज्यों में चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति बनेगी, दिल्ली में सबसे पहले संसदीय बोर्ड में, और संसदीय बोर्ड में सहमति बनने के बाद पर्यवेक्षक जो है वो राज्यों में, तीनों राज्यों में भेजे जाएंगे, ये पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, विधायक दल की बैठक में जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भावना से अवगत कराया जाएगा और एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा कि सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में इन नेता को मुख्यमंत्री के रूप में
जी बिल्कुल सर, लेकिन सर सवाल देखिए ये भी यहाँ पर उठता है कि तमाम दिग्गज नेता हैं, ऐसे में अगर किसी एक को पद मिल जाता है तो जो दूसरे नेता हैं पार्टी उनको किस तरीके से फिर संतुष्ट करेगी? देखिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले बात कही कि जहाँ अनुशासन है वहाँ किसी दूसरे के लिए कोई बात उठाने का औचित्य ही नहीं है। इसलिए पूर्ण बात ये है कि ये प्रश्न ही नहीं उठेगा बीजेपी में कि किसी के मन में असंतोष रह जाएगा कि इनको चुन लिया है। सबसे ऊपर जो नाम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं, क्योंकि जीत के नायक हैं और अगर पार्टी कुछ और सोचती है तो उसके लिए भी उसके पास, वही मैं फिर बताऊंगा कि अनुशासन की बात है कि क्या ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, क्या ये प्रहलाद पटेल हैं, क्या ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं या राकेश सिंह हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई और चौंकाने वाला नाम है। तो इन सारी चीजों को लेकर, और आपको ये बता दूं मैं कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है वही ये प्रस्ताव रखेगा कि ये मैं इनके नाम को प्रस्तावित करता हूं और पूरा विधायक दल उसको सर्वसम्मति से मान्यता देगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। बीजेपी का चरित्र और स्वभाव यही है और वो इसी तरह आगे बढ़ती है। जी जी बिल्कुल सर, आप सही कह, सर कंटिन्यू करिए, आप जो कह रहे थे यही बात कि बीजेपी की सर संगठन में जो विश्वास है यही इसकी खासियत है बीजेपी की कि यहाँ पर बगावत और फूट नहीं नजर आती है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए इसके पहले भी अगर आप बीजेपी के इतिहास को देखें तो 2005 में जो स्थितियां बनी थी, खासतौर से जब उमा जी नाराज थी और बाबूलाल गौर को हटाने की बात हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए, क्योंकि 2003 से 2005 के बीच में दो मुख्यमंत्री बदल गए थे, पहले उमा भारती थी वो हटे, बाद में बाबूलाल गौर हटे, लेकिन 2005 में जब से शिवराज जी ने नेतृत्व संभाला उस समय पर्यवेक्षक के तौर पर अरुण जेटली और प्रमोद महाजन, ये दो नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आए थे और बहुत आसानी से ऐसा लग रहा था कि बहुत तूफान आएगा बीजेपी में, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। तो ये संगठन की शक्ति है बीजेपी का, जो भी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में कमान संभालेगा प्रक्रिया बहुत स्मूथ होगी, बहुत आसान होगी। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि सबसे ऊपर नाम शिवराज जी का है, एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। फिर भी अगर पार्टी कुछ और सोचती है तो निश्चित तौर पर सभी उसका स्वागत करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी के मन में न कोई द्वेष होगा, न किसी के मन में कोई पीड़ा होगी, न कोई चुनौती होगी। जी जी बिल्कुल सर, पार्टी की यही खासियत है बीजेपी की, क्योंकि तूफान तो आया है और इस तूफान में भले कांग्रेस उड़ गई है लेकिन तूफान बीजेपी के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। सर इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए रायपुर का रुख करते हैं, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजधानी रायपुर में गौरव मौजूद है। गौरव, सीएम फेस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी चर्चाएं तेज है, दिल्ली में मंथन हो रहा है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना रही है और उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो अब मुख्यमंत्री फेस को भी लेकर जो है कसमकस जो तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और उसके साथ ही साथ रेणुका सिंह, ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि हमने जब इन सभी से बात किया तो इनका साफ तौर पर कहना था कि इसका फैसला आला कमान करती है और यदि वो हमें इस तरीके की जिम्मेदारी देती है तो हम इसे निभाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सभी के मन में है कि उन्हें मुख्यमंत्री का फेस जो है वो यहां पर दिया जा सकता है। वहीं यदि हम जो प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, प्रभारी ओम माथुर सह प्रभारी नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, कमान संभाल रखी थी, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में बैठक होगी और दिल्ली में सभी चार राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर मुख्यमंत्री फेस को लेकर बातचीत होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे और संभवतः आज शाम को यह बैठक दिल्ली में होगी भी। तो इसके लिए शामिल होने रायपुर से सभी नेता कल जो है वो दिल्ली रवाना हो गए थे, जिसमें ओम माथुर, नितिन नवीन और मनसुख मांडविया दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज बैठक के बाद आने वाले दो तीन दिनों में छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद जो ऑब्जर्वर है वो दिल्ली जाएंगे और जो मुख्यमंत्री का नाम है उसे लेकर
वहां चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं इंतजार है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के फेस का। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम इसलिए भी आगे चल रहा है क्योंकि उन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और उन्हें हर क्षेत्र में पकड़ उनकी अच्छी है। और जिस तरीके से घोषणाएं बीजेपी ने की है, उस जो मोदी की गारंटी लाई है, उसमें कहीं ना कहीं सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो नाम है वो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल गौरव, इंतजार सभी को है, तमाम जनता को भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनता है। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।